सकता हूँ, लेकिन केवल अभी यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज मेरे पास है वो मेरे लिए ताली बजा रहे आप लोग। आपसे बढ़िया कौन चाहिए? इतना अलर्ट, इतना शानदार आप लोग काम करते हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। मेरे हाथ में माइक है उसके लिए धन्यवाद, मैं इस जगह पे बराबर खड़ा हूं उसके लिए धन्यवाद, जो भी हूं आज उसके लिए धन्यवाद, सुबह उठ गया जिंदा उसके लिए धन्यवाद, हर चीज देख पा रहा हूं धन्यवाद, कुछ भी चीज के लिए जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है उसका भी धन्यवाद देना। कई बार अगर मेरे पापा नहीं गाते रहते ना तो मैं सीए फाइनल करने में उतना तेज नहीं किया। हर वो चीज जो आपको गिराता है वही उठने के लिए प्रेरणा देता है। दूसरा, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट गिफ्ट। सर आप बहुत अच्छे आदमी, नहीं नहीं सर आप भी बहुत बढ़िया हो, ये क्या कि पूरा मिलता मैं नहीं लूंगा तेरा, मैं गिफ्ट नहीं लूंगा, मैं मिले हुए पैसे नहीं लेने वाला, तुरंत वापस करके। हमारे अंदर बहुत बुरी आदत, कोई तारीफ करे दो मिनट बोल ले तो सामने वाले की इज्जत रख रहे हो आप, वो अगर आपको बोले दिमागर सर आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, थैंक यू सर आज का मेरा दिन बन गया, और ये इसको मैं कॉम्प्लीमेंट मान लेता हूँ, मेरे ऐसा बोलने से सामने वाले को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कोई किसी में दम नहीं आज किसकी तारीफ करते, तारीफ करने के लिए पूरा ऐसा लगता है कि बंदूक निकालने ज्यादा तकलीफ हो रहा है, जैसे हम लोग बोले लड़ने जाना बंदूक निकालो बंदूक भारी रहता है, तारीफ करने के लिए मुंह को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद वो तैयार होकर एक बार तारीफ करने आया, आगे जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करेगा अगर मैं तुरंत ही उसको निपटा दूं, तो इसका मतलब ये अगर कोई तारीफ करता है तो आराम से रुक के उस तारीफ को एक्सेप्ट करो, थैंक यू वेरी मच आपने ये अप्रिशिएट किया मेरे लिए आज बहुत अच्छा दिन है। दूसरी चीज, हम लोग कोई खोया हुआ पैसा कोई गिफ्ट हम लोग को लेना पसंद नहीं, मुझे पसंद है मैं सब बता, कहीं पे मिल जाए पैसा तो बिल्कुल रख लेता हूँ, डोनेशन में उसका डबल कर दूंगा, लेकिन कई लोगों का एक विचार आता है पांच रुपए मिला ना पूरा मिलते साथ भिखारी इसको दे कैसे खाना खा लेना, मेरा नाम दीपंकर है ना, मंदिर में चल रहा है बराबर। हम लोग कभी भी कायनात जो दे रही है ना हमको लेने का इंटरेस्ट ही नहीं है, भूल जाओ 15,000 से 1500 राइट, जो लेने का दम रखता है अपॉर्चुनिटी लेने का दम रखते हैं बोल के हम लोग आगे काम कर रहे हैं राइट, वैसे ही आप लोगों को भी इनके जैसा दम रखने का जरूरत है, जहां पर कोई चीज मिले उसको आराम से प्रेम से लो और थैंक यू वेरी मच गॉड भगवान की आपने ये मुझे दिया और ये मेरे लिए आप भेजो, मेरे को अच्छे से मालूम है मैं इसको पूरे बरकत के लिए अपने जेब में रखता हूं राइट, वो 500 रुपए जरूर रखो, और उसके बाद में आपका मन हो किसी और समय में इस पैसे को बिना सोचे तो 2,000 रुपए डोनेशन कर ले, लेकिन क्योंकि ये पैसा मिला तुरंत मत वापस करना, भगवान और कायनात हमेशा देखते रहता मैं लिया उसकी इज्जत है, अगर आपको 100 रुपए मिला और 100 रुपए की इज्जत नहीं किया तो 100 रुपए अपने जितने भाई लोग हैं उसके भाई लोग कितने रुपए वाले होंगे, 100 रुपए वाले सारे भाइयों को मना कर देगा, भाई इधर आना नहीं मेरा खुद बेइज्जती हो रहा है तू भी मत आना, आप अपने घर में मेहमान बुलाते हो क्या अगर आपकी घर में इज्जत नहीं है तो नहीं बुलाते ना, तो वैसे ही पैसे को हर आते हुए पैसे मिलने को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। लव योर बिल्स इट मींस यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग, आपके पास तो कोई बिल आ रहा है आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर कमाई करने का जो ललक है वो आपका बिल या फिर बिल कैसे आया, जैसे आपने कुछ कमाई की आपने गाड़ी खरीद लिया महीने का आपका 5,000-10,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, वो बिल को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिल नहीं होंगे तो आपको कमाने का दिल नहीं होगा राइट। नेक्स्ट है से थैंक यू व्हाइल पेइंग, किसी को भी पैसा देते हो ना क्योंकि आप पैसा दे रहे हो और तो वहां पर थैंक यू बोलना जरूरी है, कभी आपका पैसा घुमाएगा जैसे किसी का भी होगा ना 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 500 रुपए बहुत घूम गया होगा बड़े लोग राइट, कई बार घूम जाता है तो उस समय मेरा भी कई बार घुमा है और मैं एक ही चीज बोला हूं भगवान मेरे को जो आप दियो मेरा बरकत हुआ है और मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं अच्छा आदमी हूं हमेशा सबकी रक्षा करने का कोशिश करता हूं, मेरे जेब में जो पैसा था वो भी माता लक्ष्मी का रूप था और इसमें ये पैसा घूमना जिसके भी हाथ में जाए भगवान करे उसका भी बरकत हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो वापस नहीं आ रही, मैं डिफॉल्टर हूं तो मेरा पैसा डिफॉल्टर है क्या, इसका मतलब जहां पर जाएगा क्या होना चाहिए बरकत होना चाहिए फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज थिंक एंड लुक फॉर मिरेकल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, हमेशा हम लोग ना कभी भी कुछ चमत्कार के बारे में सोचते नहीं, चमत्कार होगा जो हमने सोचा नहीं वही चमत्कार है, क्यों ये भगवान में तो कभी सोची भी नहीं मेरे साथ ऐसा होगा, तो आपके साथ ऐसा होने के लिए सोच लो आप अच्छा लगेगा, और नहीं सोच पा रहे हो चमत्कार हो जाए तो कम से कम चमत्कार के लिए तैयार रहो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाले हैं क्योंकि आज का दिन आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज नए नए क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो क्योंकि आपका जो ना स्टाइल चेंज होने वाला है आपसे,
आपका बात करने का, क्वेश्चन करने का, सेल करने का स्टाइल चेंज होने वाला है, तो आप कौन सा क्लाइंट कब आपसे कन्विंस हो जाने वाला आपको पता नहीं। मैं इतने लोगों का कंपनी बनाया हूँ, अपना प्रिंसिपल क्लियर बोलता हूँ, ये दोनों में से कौन हो जो कंपनी के मालिक हो। प्रकार करे मैं सिर्फ आपकी का बात सुनने वाला हूँ, ये वाले भाई का बात नहीं सुनना। आप दोनों को क्लियर है बोला, इस कंपनी के बारे में जो डिसीजन होगा मैं इनका सुनने वाला हूँ। मैं वहां पर कभी भी, अब जब बाद में बोलेंगे सर मेरा सुनने वाला भाई तुम्हारे सामने बोला था ना, राइट। अपने प्रिंसिपल पे हमेशा रखना और मिरेकल्स और नए अपॉर्चुनिटीज को देखना। अब वो तीसरा आदमी है उनके साथ बैठा हुआ, तो धीरे से बाद में बोले दीपंकर सर मेरे को कंपनी बनाना, वो कन्विंस हो गया, मैं इससे अच्छे से बात किया, इनको अपना पूरा प्रिंसिपल और अपना सेल का पूरा स्किल दिखाया, और ये बंदा जो कि मैं उसको भाव भी नहीं दे रहा था, वो बाद में आकर मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए, मैं लाखों रुपए से कमाया, ऐसे मेरे पास 50 लगे, राइट। आप ये मत सोचो कि जिसको माल बेच रहे हो उसी को माल बेच रहे हो, उसके बगल वाला जो आदमी है ना वो भी आपको देख रहा है, हर कोई आपको देख रहा है। आप स्टेज में हो, मैं खड़ा हूं इसलिए स्टेज में नहीं हूं, आप बैठे हो इसलिए भी आप स्टेज में हो, राइट। हर कोई आपको देख रहा है, इसीलिए हमेशा कोई ना कोई चमत्कार हो सकता है, कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके पास में जरूर आ सकता है। इसके लिए हम लोग तैयार ही है सब। आगे का डायलॉग सर नंबर पता, लेकिन सर से बुलवाएंगे हम लोग। तो मैं बोलना चाहूंगा कि नजर बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी, और सोच बदलेंगे तो क्या बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है।